ये दवा जो है किसी को देना अनिवार्य नहीं है, जब तक उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आते ये किसी को हम ऐसे ही नहीं देने के लिए तैयार हो। हम लोग किनको अभी तक दे रहे हैं और एचसीक्यू का मतलब क्या है, सब थोड़ा समझा पाएंगे? ये दवा जो है किसी को देना अनिवार्य नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी कर रहे हैं इससे बीमारी लगने से कम हो सकता है क्या, ये देखने के लिए डॉक्टर लोग और सिम्टम एक हद पेशेंट के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनमें ये देख रहे हैं। जब तक उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आते ये किसी को हम ऐसे ही नहीं देने के लिए तैयार होंगे। और सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो स्थिति भारत में है वो स्टेज 3 कहलाने लायक है? वो तो बार बार आप पूछ रहे हैं, उनको तो मालूम है, वो तो कितनी बार वो ही बोलेंगे, वो अभी नहीं है ऐसे। Let me assure you that the whole situation is being monitored at the highest level. In terms of the requirement of the country, linking it with the fact that how much is the production as well as the API availability in the country, it is ensured that not only today, even in future, there will not be any lack of SCQ as and when needed. Let me also again reiterate and highlight, main fir aap logo ki drishti mein lana chahunga कि हमने SCQ हाइड्रोक्लोरोक्वीन के जो प्रिस्क्रिप्शन है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए रखाई, इनवाइट की है, उसको बताया है आप लोगों को, और इसी के लिए साथ में ये भी कहा है कि इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर किया जाएगा। तो काइंडली ये एश्योर करें कि ओनली सेट ऑफ पीपल जिनके लिए हमने बताया है वही इसको इस्तेमाल करें, बिकॉज किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड लेट मी अगेन रीट्रेट एंड अगेन हाईलाइट कि SCQ की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी आज भी है और इट विल बी एंश्योर्ड दैट इट विल बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन वी नीड इट, जितनी क्वांटिटी में चाहिए आज भी कंट्री में सफिशिएंट और आने वाले टाइम के लिए भी सफिशिएंट है।